होती है, विद्यार्थी है, हम लोगों को भी लगातार ये सीखने का काम करना चाहिए। और जो समय है ये बहुत बहुमूल्य है। आप स्वयं कल्पना करिए कि आप लोग आज से 15 साल पहले कैसे थे। सब लोग मेरी बात तो सुन रहे हैं, आप लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं लग रहा है। तो आप लोग ये सोचिए कि आज से 15 साल पहले कैसे थे आप लोग, छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चियां थी, है हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे। हम भी सोचते अजय जी मंच पर बैठे, हम भी सोचते हैं कि कई बार है आज से 20 साल बाद पहले अजय जी जो नए नए मिलते थे, नए नए आए थे प्रचारक बन गए, है ये सिद्धार्थ दीदार तो बिल्कुल जो है छोटे थे। गामा जी और हम भी जो है 20-21 साल पहले ऐसे युवा मोर्चा के हम लोग, मैं अध्यक्ष था, मेरे साथ महामंत्री थे, ये शैलेन्द्र बिष्ट भी हमारे साथ थे। तो हम लोग जो है सब लोग युवा मोर्चा में आप लोगों की तरह थे। अब मुझे लगता है कि कितना शानदार वो समय था, है कैसे कैसे साधन नहीं थे, संसाधन नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी। अब आप लोग सोचिए कि भाई 10 साल 15 साल आप लोग कैसे थे और 10 साल 15 साल 20 साल बाद कैसे हो जाओगे। समय बदल जाएगा, अगर कुछ वापस नहीं आएगा तो समय नहीं आएगा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन ये समय नहीं मिल सकता है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करना यह भी हम सबको सीखना चाहिए। आज मुझे प्रसन्नता है कि युवा मोर्चा के ऊर्जावान कार्यकर्ता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के लिए निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और नए भारत के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए अभी हमको G20 की अध्यक्षता मिली है, भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता मिली है। ये कोई सामान्य काम नहीं है। जिन देशों की 85% जो GDP है, जो पूरे दुनिया की गवर्न करते हैं, पूरी दुनिया की 85% GDP इन देशों के आसपास रहती है, वो सारे देश उन्होंने भारत का नेतृत्व स्वीकार किया है और भारत के अंदर ही हमारे यहाँ हो रही है। हमको भी उत्तराखंड के अंदर हमको भी 2 कार्यक्रम इसके मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो हमारी पारंपरिक खेती के रूप में मड़वा, जो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, उस मोटे अनाज को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसको राष्ट्रीय सुरक्षा में, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य में जो है उसको भी सम्मिलित कर लिया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ऐसे अनेकों काम अभी देखे, बद्रीनाथ जी हमारे हेमकुंड साहब जाने के लिए लिफ्ट योजना रोपवे का काम प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से केदारनाथ जाने के लिए गोरखकुंड से केदारनाथ की जो हमारी रोपवे की योजना है उस योजना का भी शिलान्यास हो गया है। अनेकों कार्य हो रहे हैं, एक एम्स हमारा चल रहा है यहाँ पर, दूसरा एम्स हमारा वहाँ कुमाऊं क्षेत्र के लिए बनने जा रहा है, मानस खंड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, सारे हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है, भर्ती प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, 20,000 भर्ती प्रक्रिया हम नई प्रारंभ करने वाले हैं। जो 7,000 भर्ती प्रक्रिया किसी कारणों से विवादित हो गई थी उसमें भी हमने सख्त एक्शन लेते हुए अभी 55 लोगों को अभी तक उसमें जेल के अंदर कर दिया है, सलाखों के पीछे चले गए हैं। इतना ही नहीं, अब आने वाले समय में एक एक नौजवान के लिए, एक एक युवा के लिए हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर होगी। जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, उसका चयन होगा। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे बड़े अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक गरीब माता पिता के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा होती है, जिसके जरिए वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब उस पर ही कहीं डाका पड़ जाए, उस पर ही कहीं अपराध हो जाए, पेपर लीक हो जाए, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाए, पर्चे लीक हो जाए, पेपर पहले से सेट हो जाए, तो कितना बड़ा धोखा है। आप सोचिए उस माता पिता के बेटे और बेटी के पास क्या रह जाएगा। हमने तय किया कि अब उत्तराखंड के अंदर हमारे किसी भी बेटे और किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। कोई इस दिशा में काम करना तो बहुत जरूरी है।
कोई सोचेगा भी नहीं। और लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेकों कामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं युवा मोर्चा से यह भी अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में युवा मोर्चा जितने भी हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चल रही है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से पर्यटन की योजनाएं चल रही है, हम तमाम स्वयं सहायता समूह को हम लोगों ने जो बिना ब्याज के ऋण देने की योजनाएं चलाई, उन योजनाओं को भी नौजवानों और युवाओं के बीच में ले जाने का काम युवा मोर्चा करे। और युवा मोर्चा के माध्यम से उसकी जानकारी एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक होनी चाहिए। दो इंक्यूबेटर हमारे चल रहे हैं, एक हवालबाग अल्मोड़ा में चल रहा है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरा हमारा कोटद्वार में चल रहा है। तो ये कोटद्वार की और हवालबाग की जानकारी भी हमारे नौजवानों के बीच से ऐसी माताओं को बहनों को जो काम करना चाहते हैं, घरों में रहकर अपना उत्पाद बनाना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको जहां उत्पाद बनाने के बाद उनको अच्छी बाजार देने का काम आज राज्य की सरकार कर रही है, हमारे स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो सब आपके माध्यम से भी जाना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि युवा मोर्चा में जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो आने वाले समय में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अब केवल रोजगार मांगने वाले नहीं है, आप रोजगार खोजने वाले नहीं है, आप रोजगार देने वाले हैं और रोजगार देने का काम करेंगे। भाई बहनों, अटल जी के नेतृत्व में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी अनेकों कार्य हुए। वे सच्चे अर्थों में न केवल उत्तराखंड राज्य के निर्माता थे, बल्कि उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने भाषण प्रतियोगिता में भी सुनता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे भी बड़ा ये था कि आप लोग और नई नई जानकारियां लाए होंगे, तमाम चीजें अटल जी के संस्मरण लाए होंगे, कविताओं में और भाषण में आपने उनका उल्लेख किया होगा। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। अटल जी ने ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ने का काम किया है। एक कदम आगे अटल जी ने उसको बढ़ाया, जैसे अटल जी ने राज्य को आगे बढ़ाया, अटल जी ने बनाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको संवारने का काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज भी अभी अभी प्रधानमंत्री जी का अभी तुरंत अभी यहाँ आने से पहले मेरी दूरभाष पर वार्ता हुई, तो उन्होंने पूरे विस्तार से जोशीमठ में जो आपदा की स्थिति आई है, जो आपदा आई है, उस आपदा के बारे में, वहां के परिवारों के बारे में, उस एरिया के बारे में कितना नुकसान हुआ है, रिलीफ कैंपों में कितने लोगों को कहां रखा गया है, आगे की क्या योजना है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं भारत सरकार से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां से भेजे जा रहे हैं, उनका विशेष रूप से उत्तराखंड से जो अटल जी ने उत्तराखंड बनाया उसको संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी भी सरकार श्रद्धेय अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों का उत्तराखंड बने, जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, उन पर निरंतर कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है, हम सब जानते हैं, हमको जितनी योजनाएं इस समय में मिली हैं वो योजनाएं बहुत नामुमकिन सी योजनाएं थी। एक राज्य में जैसे दो एम्स बनना बहुत नामुमकिन होता है, किसी राज्य में दो एम्स नहीं बने, हमारे यहाँ बने। इसी के से कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारे ही राज्य में बन रही है, जो लोगों के लिए एक सपना होता था। चार धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला की श्रृंखला की रोड है, रोपवे की परियोजनाएं, पर्वतमाला योजनाएं, अनेकों योजनाएं, स्मार्ट सिटी की योजनाएं, हल्द्वानी शहर भी उसमें आ रहा, आने वाले समय में हमारे अन्य शहर भी उसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे अनेकों काम आज उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। लंबे समय से लकवाड़दासी योजना हमारी लटकी हुई थी, उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की है। जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से लटकी हुई है, उसको अभी अधिकांश उसकी स्वीकृतियां हमको मिल चुकी है। HMT की जो जमीन थी हल्द्वानी वाली, लंबे समय